पंजाब दे कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी अते अमृतसर दे दो वकीलों विचकार चल रही कानूनी लड़ाई हुण खूनी संघर्ष बनती जा रही है। कैबिनेट मंत्री दे नज़दीकी ते कथित पीए राकेश भारद्वाज ने कांग्रेसी एडवोकेट संदीप गोरसी अते कांग्रेसी कौंसलर गुरविंदर सिंह ऋषि खिलाफ कतल दा यतन करन अते होर धाराओं तहत केस दर्ज करवाया है। राकेश भारद्वाज मुताबिक बीती रात संदीप गोरसी अते उन्हां दे साथी वल्लों उन्हां ते हमला किया गया सी। गुरु नानक देव अस्पताल च दाखिल राकेश भारद्वाज अपने ते होए हमले बारे पूरी तरह जानकारी देण च तां असमर्थ रहे, पर एडवोकेट संदीप गोरसी दा नां उह जरूर लै रहे सी। दूजे पासे एडवोकेट गोरसी दे साथी एडवोकेट विनीत महाजन ने राकेश भारद्वाज वल्लों दर्ज करवाए गए केस नूं झूठा अते फर्जी दस्या। एडवोकेट विनीत महाजन मुताबिक उन्होंने कैबिनेट मंत्री खिलाफ केस दर्ज करवाए ने अते उस समय तो ही कैबिनेट मंत्री कई बार उन्होंने हमले करवा चुके ने। कि 17 मार्च नूं साडे ऑफिस दे विच साडे मेरे ते संदीप गोरसी ते जानलेवा हमला किया गया ही। 6 राउंड फायर किए गए ही, जिहड़े कि मैं तुहानूं वी दस सकदा कि इत्थे गोलियां दे निशान अज तक मौजूद ने। उहदे विच हजे तक कोई भी अरैसट नहीं की गई, ना उहदे विच सानूं इनकुआरी दे विच कोई साडे वल्लों एफ आई आर रजिस्टर की गई, साडे बयान लिख के रखे हुए ने। तो हुण तुसीं मैनूं इंश्योर कर रहे जे जस्टिस दोगे, क्या तुसीं जस्टिस दे पाओगे? कहिंदे कि मैं इंश्योर करदा जस्टिस दे पावांगा। तो अज सवेरे कहिंदे कि तुहाडे नाल मेरा DSP गल करदा है, रात सारी जे DSP किसी का फोन नहीं आया। जो सवेरे उठे तो सानूं पता लगता कि 136 नंबर FIR अंडर सैक्शन 307 गुरिंदर सिंह ऋषि ते संदीप गोरसी के उत्ते रजिस्टर करती गई है, जिहड़ी कि राकेश भारद्वाज जिहड़े कि गुरु नानक होस्पिटल के दवाइया की दुकान करते हैं सरकारी, तो अपने आप में कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी उन्हों का PA कहते हैं, उन्होंने बयान से परचा दर्ज किया गया। तो मैं कमिश्नर साहब ना हूँ भी गल कर रहा पर वो मेरा फोन पिक नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने मैं पूछना चाहवागा क्या साढ़े ने FI इंश्योर किया ही जस्टिस। मैं उन्होंने यह भी पूछना चाहूँ क्या वो कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी के ही कमिश्नर है कि शहर वाले के भी है? कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी अते अमृतसर दे दो वकीलों विचकार चल रही कानूनी लड़ाई हुण सड़कां ते उतर आई है। यह संघर्ष अदालत तो बाहर निकल के हुण खूनी संघर्ष का रूप लैंदा जा रहा है। एक पासे जिथे कैबिनेट मंत्री दे नज़दीकी ने एडवोकेट गोरसी अते कौंसलर ऋषि ते केस दर्ज करवाया, तो दूजे पासे इस मामले च कैबिनेट मंत्री खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करन वाले वकील वनीत महाजन अते उन्हां दे भरा अनीश महाजन ते कुछ अणपछाते हमलावरां ने तेज धार हथियारां नाल हमला कर दिता अते उन्हां नूं गंभीर रूप च जख्मी कर दिता। जख्मी वकील ने इस मामले च पुलिस दी कैबिनेट मंत्री नाल मिलीभुगत दे दोष लगाए ने। उन्हां इस मामले च तुरंत कैबिनेट मंत्री खिलाफ केस दर्ज करन अते अमृतसर पुलिस कमिश्नर दा इत्थों तबादला करन दी मंग कीती। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੰਦੀਪ ਗੌਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 307 ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਏ ਸਿੰਥੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਨੀਤ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਵਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਗੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। मैं ऐसे जो सदर में फोन किया, मैं जी हरगुणा हॉस्पिटल पहुंचो, मैं भी थोड़े मगरे आ रहा हूं। मामले को उसको देख के सारा देखा जाएगा, कौन बंदे थे, क्या मसला था, सारा करके जो कानून मुताबिक जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। खबरों की दुनिया में आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आप मिलेंगे फेसबुक पे, असी दिखांगे यूट्यूब पे, सानू फॉलो करो ट्विटर पे। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।